कि हाल सीखते मैंने भी हवा दिलों में चाहे देखे हैं एक रिकॉर्ड का जन्म आया वादा जो वादा हैं असलकुम जी, क्या हाल सीखे हैं मैंने भी हवा दिलों में चाहे देखे हैं एक रिकॉर्ड का जन्म आया वादा जो वादा हैं पाकिस्तान वाले ने सेकंड ओडी आई बस इंडिया की तरह पाकिस्तान ने टॉस जीता वैली फील्डिंग की तो न्यूजीलैंड को वैली बैटिंग करने की दावत दी। 50 ओवर में खेल के 336 रन नौजवान खेल आउट हुए चलने हैं दोबारा सेंचुरी बना दी 129 रन लथन 98 बॉल 51 और यंग ने 19 रन बनाए। हादिर रो ने 4 और नसीम शाह ने 1 आउट किया। पाकिस्तान को 337 रन का टारगेट मिला जो कि उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान से 48.2 ओवर में चेस किया। अकल खान ने पहले वनडे मैच की तरह इधर भी सेंचुरी बना दी 180 रन के साथ नॉटर रहे। बाबर आजम सिक्सटी फाइव रिजवान ने 50 बना दी 54 रन के साथ नॉट आउट 41 के नुकसान किया। यहाँ सब ने 24 रन बने। न्यूजीलैंड को जाने के शुली ने एक हेनरी ने एक और सोती ने एक आउट किया। पाकिस्तान ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में पाकिस्तान ने 3 चेंजिंग की शान में सोच को निकाला जो कि मैंने इसकी सेलेक्शन में क्रिटिसाइज किया था किसी न किसी हद तक मेरा मैसेज किसी ने सुन लिया और अब्दुल्ला शहीद को चांस दिया जो कि मैं चाहता था। फिर दूसरी चेंज सदा खान को रेस्ट कराया उसामा वेक को लेके आए। फिर तीसरी चेंज शाहिद फिजी को रेस्ट कराया इहसान ओजा को डेब्यू कराया। लेकिन जी इहसान उल्लाह आगे USL से परफॉर्म करके आया है T20 है ठीक है जी। USL से वो लड़का परफॉर्म करके आया और आज उसको अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 T20 खिला दिए और उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज ने उसको एक ही T20 मैच खिलाया वो भी आखिरी रावलपिंडी के बीच में। फिर कल आपने उसको वनडे डेब्यू कराया रावलपिंडी के बीच डेड बीच। अब आज एक ने के दो वनडे मैच हुए हैं हारिस रो और नसीम शाह के अलावा आगे कोई बॉलर कामयाब नहीं हुआ। पहले मैच में शाहिद अफरीदी ने विकेट ली हैं अच्छी बॉलिंग की है सदा खान ने भी आउट किए हैं। कल शाहिद अफरीदी को निकाला रेस्ट दिया उनको लेके आए एहसान उल्लाह डेब्यू कराया। देखें जी एहसान उल्लाह को वनडे में डेब्यू कराया ये वो जल्दबाजी है बिकॉज वनडे एंड T20 आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ओके ठीक है जी। चलिए अब उसको वनडे स्क्वाड में रखा है चांस तो उसको देना ही देना है। और देखें जी कि रावलपिंडी के बीच का तो आपको वैल्यू से अंदाज़ा है आधे पहले ये सलके मैचेस भी देखे होंगे 250 स्कोर हुए ठीक है जी। टेस्ट मैच जो हुए हैं रावलपिंडी में उनका रिजल्ट भी आपके सामने है तनकीद हुई। चलिए बात लंबी बात नहीं करते हैं फकर जमान ने फिर रन सेंचुरी बना दी बाबर आजम ने 50 कर दिए रिजवान ने भी अच्छी इनिंग खेल दी अब्दुल्ला शफीक इसी के लिए अब्दुल्ला शफीक की लाइन ओपनर ही इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ नंबर 4 जो गलती T20 में की थी साइमा योग नंबर 4 खिला के वही गलती वनडे में भी कर रहे हैं। अब नंबर 4 में तो हारिस सुहेल खेलता है बदकिस्मती से वो अनफिट हो गया है और वो सीरीज से बाहर हो गया है। इफ्तिखार अहमद आ गए हैं आखिरी जो टी वनडे मैच होंगे कराची के इफ्तिखार अहमद ही खेलते नज़र आएंगे। तो अगर हारिस नहीं जुड़ना होते तो हारिस सुहेल ही वनडे में खेलते तो अब हारिस सुहेल की जगह हमने किसी न किसी को तो खिलाने था शान रसो को चांस दिया वो नाकाम। अब्दुल्ला शफीक को भी चांस दिया वो भी लंबे इनिंग नहीं खेल सका इसलिए ही ओपनर ठीक है जी। नवाज़ ने दो मैचों में कोई ओवर नहीं किया हारिस रो नसीम शाह के अलावा तो कोई भी आकर बॉलर चाहे वो कामयाब नहीं हुआ अभी तक दोनों के दोनों मैचेस में। और फिर वो जो है ऑब्वियसली मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा जो कि हारिस सुहेल की सिलेक्शन के बारे में एतराज़ करते थे तनवीर अहमद साहब
मुबारक हो आपको, आप तो खुश हो ना। आज नहीं, हमारे सेल के सिलेक्शन लिए इतराज़ किया था, बात एक ही थी कि जी डंडे पे आ गया है पर हॉमस नहीं है, फिटनेस नहीं है। आपकी वो दवाई लगी है ना उस बेचारे को, प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गया, स्टेज से भी बैड हो गया। मुबारक हो आपको, आपने तो अपने कैरियर में इतने मैचेज नहीं खेले हैं ना, टेस्ट मैचेज नहीं मेरे ज़्यादा ज़्यादा खेले हैं, टी ट्वेंटी कोई एक खेल लिया, वनडे भी एक या दो भी खेले हैं। मुबारक हो आपको, आप खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो अपने अपने घर वालों में, खुशियाँ मनाओ कि हारिस वेल जो है जिसके बारे में आप बातें करते थे क्योंकि डंडे पे आया है पर मामल नहीं है, फिटनेस नहीं है। भाई अगर उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है ना, अगर वो वर्ल्ड कप खेलता है तो वो वर्ल्ड कप में आपको परफॉर्म करके भी देता है, लेकिन उसको नज़र लग गई आपकी, आपने उसके सेलेक्शन में बातें की, एतराज़ किए, चलो जो होने से हो गया, अल्लाह मालिक है। देखिए मैं आगे बात बता दूँ, अब 3 मिनट मैच रह गए, तीनों की टीम कराची होने हैं, कराची की पिच जो है वो रावलपिंडी से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है जी। रावलपिंडी की पिच आपको अंदाज़ा है, BSL के मैचेस भी आपने देख लिए, 250 पे 250 हो रहा है, और अब 2 वनडे मैच हुए हैं, न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान ने दोनों मैच में टॉस जीत लिया, न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में तो आ गई है लेकिन कम बैक करने की सलाहियत रखती है, जिस तरह के T20 में उन्होंने कम बैक किया था। पाकिस्तान को अभी भी अपने बॉलिंग और अपने फील्डिंग पे फोकस करना है, एहसान उन्होंने आपको बहुत जल्दी वनडे में रखा है, उनको अभी वनडे में नहीं चांस देना चाहिए था, T20 खिलाते तो ठीक था, चलो अब उसको वनडे में रखा है तो उसको फिर चांस देना ही है। लेकिन अब अगर वो एक मैच कामयाब नहीं हुए ना तो अब उसको रेगुलर मैच ही खेलो, क्योंकि अब 3 के 3 वनडे जो हैं आज कराची ही खेलने हैं, जो आखिरी 3 वनडे, और कराची की पिचेज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं रावलपिंडी और लाहौर से भी, ठीक है जी। अब क्या होता है कराची आपको वो आउट आउट करके दे दे, फाइनल पाकिस्तान अब ये दोनों मैच ने टॉस भी जीता, पहले फील्डिंग कर दी, पहले मैच में 288 रन करा दिए, कल 333 रन करा दिए, फील्डिंग नाकेश, बॉलिंग में हारिस हो नशीन खा के लाओ, कोई कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले के दे रहा, स्पिनर भी कामयाब नहीं हो रहे, नवाज ने भी अभी तक एक भी ओवर नहीं किया, तो फिर जितना जी बैटिंग की है फखर जमान ने, क्या बैटिंग है, फखर जमान के भी कैच छूटे, फिर रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की, बाबर आजम ने भी अच्छी बैटिंग की, तो 5 मैचों की सीरीज में वाकई को 2 लेवल की बंदे आती लोग, एक मैच जीतना है और वनडे सीरीज आपके नाम है, तो T20 में तो न्यूजीलैंड ने कम बैक कर दिया था, वनडे में भी कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं, हम यही कहने सलाहियत नहीं रखते, ठीक है जी। तो पाकिस्तान को फील्डिंग और बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है, फखर जमान दूसरे मैच में 37 को करने पर मैन ऑफ द मैच कर पाए हैं, और तीसरा वनडे कराची में खेला जाएगा वेनसडे को जो डेट है वो है 3 मई, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।